जिंदगानी हुसैन देते हैं, हक बयानी हुसैन देते हैं। मन करे जिंदगानी, तुमने बाबा से मन बोलना हुसैन देते हैं, कबला तैयार है। अरे जिंदगानी हुसैन बाबा से वाला बोलो, मेरी बहनों की आवाज इस फजा में मुअत्तर होनी चाहिए। जिंदगानी हुसैन पेश कर रहा हूं, आपकी आंखों से दाद चाहिए और सारी होता है। सिर्फ आवाज नहीं लगाती, दूसरे अपने हाथ उठाकर मुझे बताओ कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। अरे हो निशानी हुसैन देते हैं, हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी। आवाज रही है परवरदिगार, आप सबकी जवानियों को सलामत रखे। और जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उन सबसे हुजूर जरा थोड़ा सा आगे तशरीफ लाइए, मेरे करीब आइए। मैं आपके लिए शेर पढ़ रहा हूँ, देखिएगा बुजुर्गों, आपके लिए शेर पढ़ रहा हूँ। जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं बुजुर्ग, आप सबके लिए थोड़ा आगे तशरीफ लाइए। जजाकल्ला। इसी शेर के बाद मैं चाहूंगा कि आप नारा लगाएं और लोगों को दिखाएं कि आप जवान हैं। हुजूर यहीं खड़े रहिए, मैं आपने थोड़ी सी आपसे गुजारिश है कि यहीं खड़े रहिए। देखिएगा हुजूर, फिरासत साहब आपके हवाले कर रहा हूं ये शेर इन बुजुर्गों के लिए। अरे जो सही जिंदगानी हुसैन देते हैं।
सलामत रहे पूरी दुनिया में। मैंने भी सफर किया आज से 10 साल पहले, सिवाय लंदन के मैं पूरी दुनिया घूम चुका था। और हमारे ये भाई जो बैठे हुए रिजवी साहब, ये तमाम जितने भी नौजवान हैं उन सबके वीजे वगैरह जो होते हैं सारी दुनिया में, वो हमारे अली रिजवी साहब के तो फैल लगते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं। परवरदिगार ने जो है सलामत रखे। तो हमारे बेटा जुहैब का इनका निकाह हुआ है, जुहैब का मेरे भांजे, लेकिन आज क्योंकि देखिए हमारी सांसों पर कर्ज है ये जिक्र। मैंने कहा बेटा निकाह हो गया, वो दुनिया भी काम था, तीन ही काम संभालने के लिए चल, तो मेरी दुनिया को भी संवारेगा। सुनिएगा पेश कर रहा हूँ, अब देखिए इन्होंने मुझ पर दोनों की बारिश की और क्या कितनी मजीद भी होती रहेगी। जिसका खाते हैं हम उसका गाते हैं, तो पेश कर रहा हूँ सच्चा खुदा की कसम। उसूल ये है, शेर फहम लोगों के हवाले कर रहा हूँ, उसूल ये है किबला, दूसरा शेर जब दूसरा किसरा कंप्लीट होता है तब दाद रहती है, लेकिन वल्ला बिल्ला तिल्ला कसम खाने के तीन तरीके, वल्ला बिल्ला तिल्ला। तो हुजूर मेरा ईमान है, मेरा दावा है कि पहले ही बिस्तरे पर आपके हाथ उड़ जाएंगे, क्योंकि सब हुसैन वाला के नौकर है, गुलाम है हुसैन वाला के और उनके बाबा का रिस्क आ रहे हैं। सुनना और सबको लग गई मिला, तो अपने मौला के गुलाम पर लुटा रहे हैं ना। और सबको लग गई अली से मिलता है, अरे सबको लग गई अली से मिलता है, और पानी हुसैन देते हैं। पर के दूध पिलाया है, वो आज मौला से खिराज भी लेके जाएंगे और मौला को सलाम करके जाएंगे। मौला हुसैन की आमद है, खुशियां मना के दे। मैं कहता हूँ जमीन को पकड़ के बैठ जाओ तो मैं मौला का शेर पढ़ने लगा, आप कैसे नहीं बोलते। मौला हुसैन की आमद है, खुशियां मना के दे, घर घर में जा हुसैन है चश्मा लगा के दे, घर घर में जा हुसैन है चश्मा लगा के दे। अब भी तुझको दुश्मनी है मौला हुसैन से, बेहतर है अपने खून का चेक गरीब की झोपड़ी में सुलगने वाली अगरबत्ती से लेकर चमकते हुए सितारों तक जो बंदा नारा लगाएगा वो बंदा दुश्मन गली का कलेजा जलाएगा। चबूर के पंखे खोल के बोलो बोलो सुनना, जो करबला की जियारत से मुशर्रफ हो चुके थे उनके हवाले एक शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा शायद इससे काबिल हो। आबाद रहो हुजूर, फिराजा साहब समय रोजा मौला अब्बास सलमदार अलैहिस्सलाम में जब गया, करबला जब भी जाते हैं तो पहले मौला अब्बास सलमदार के रोजे में, और वहाँ और यही सलीफा भी है कि गाजी से इजाजत लो, अपने रूह को मुअत्तर और पाक करो, फिर मौला हुसैन सरकार के पास जाओ। मैंने भी गाजी सरकार के पास जब गया, मैंने गाजी सरकार से अपनी दुआओं की मुस्तजाबी के लिए बहुत सारी दुआएं की और बहुत कुछ मांगा, और उससे कई ज्यादा मेरे गाजी ने जो है मुझे दे दिया, और जो कुछ रह गया है वो आपकी दुआएं इंशाल्लाह मुझे दिलवाएंगी। हुसैनी होगी होगी होगी, मैंने गाजी से पूछा कि मौला हुसैन सरकार के हरम में जब भी जाते हैं मौला, तो ये जो पासदारान खड़े होते हैं, खुदाम खड़े होते हैं, कादरीन खड़े होते हैं हरम के, ये शर्म कैसे मिलता है, कैसे मिलता है? तो गाजी सरकार की जरी से आवाज आई, सुनिएगा क्या आवाज आई। मैंने पहले पूछा अरे खातिमा दे हरम को जाएगी
जान